तो आपको क्या लगता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है इंडियन ओशन में पूरी दुनिया के कंपैरिजन में ज्यादा है, इससे क्या ऐसा लगता है कि जो जितनी भी क्लाइमेटल इवेंट्स हैं वो ज्यादा बढ़ सकती हैं, ज्यादा और साइक्लोन आएंगे अरेबियन सी में भी, बे ऑफ बंगाल में भी? जी, अगर जैसे आप साइक्लोन की बात हो रही है, जो खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 6 फैक्टर होता है जिस पर ये साइक्लोन डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सी सरफेस टेम्परेचर है। सफिशेंटली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, एटलीस्ट जो टेम्परेचर हो वो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो तभी वो फॉर्म हो सकता है। उसके बाद एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होना चाहिए, फिर वो ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए, उसके बाद कोरियोलिस फोर्स फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्टिकल विंड शियर, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल फोकस ऑफ डिस्टर्बेंसेज होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर हैं जो कि साइक्लोन को इम्पैक्ट करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी सरफेस टेम्परेचर, तो सी जी सरफेस टेम्परेचर अगर जैसे बढ़ रहा है तो इसका इम्पैक्ट सर्टेनली जो फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन के ऊपर पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रही हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में ये फ्रीक्वेंसी भी बढ़, खासकर अगर नदर इंडियन ओशन की बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी की, तो बोथ द प्लेसेज में फ्रीक्वेंसी ऐसा अभी मतलब आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा डाटा के लिए, क्योंकि 2 साल 3 साल के डाटा पर बोल नहीं सकते। ग्लोबली बहुत सारा डिबेट है इसके ऊपर, एंड इवन पीपुल जो है वो बटे हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बड़ी है घटी है, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बड़ी घटी नहीं है बल्कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बट इंडियन ओशन में हम सर्टेनली देख रहे हैं कि लास्ट 2 3 4 ईयर्स में बड़ी है फ्रीक्वेंसी, और खासकर अरबियन सी में फ्रीक्वेंसी बड़ी है। अरबियन सी जो कि पहले क्वार्टर माना जाता था अभी बड़ी है, और उसका एक खास कारण यही है जैसे कि आप बात कर रहे थे सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज का। तो सी सरफेस टेम्परेचर सर्टेनली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है अरबियन सी में, और खासकर वेस्टर्न अरबियन सी में काफी बड़ा है। तो जो इंडियन ओशन डायपोल की हम लोग बात करते हैं, जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बढ़ रहा है अभी फिलहाल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वेस्टर्न अरबियन सी में, उसकी वजह से साइक्लोजेनेसिस ज्यादा हो रहा है और इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने के लिए टेम्परेचर हाई होना जरूरी है, और काफी हद तक के टेम्परेचर कभी इवन 30 31 डिग्री तक जा रहा है, इसकी वजह से इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो दोनों फैक्टर काम कर रहा है उसका।